नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। शिमला की हॉन्टेड टनल नंबर 33 आज भी सुनाई देती है यहाँ चीखे और चिल्लाने की आवाजें। आखिर क्या हुआ था उस टनल में ऐसा, चलिए बताते हैं आपको। कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारी टनल पड़ती है, लेकिन उनमें से सबसे खास और खौफनाक टनल है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि जब भी ट्रेन इस टनल से गुजरती है तो कई लोगों के होश उड़ जाते हैं। 20वीं सदी की ऐसी टनल है जिसे बनाते वक्त एक अंग्रेज इंजीनियर ने अपनी जान दे दी थी। ये इंजीनियर थे कर्नल भड़ोंग। वैसे इस टनल को हॉन्टेड टनल नंबर 33 के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं यह भी कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा का वास है जिसने टनल के ठीक सामने अपनी आत्महत्या कर ली थी। क्या है इस टनल की कहानी, क्यों जाने से डरते हैं लोग वहां, क्या है पूरा सच? ग्यारह मीटर लंबी टनल का नाम है तबरोग टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहा जाता है। 20वीं सदी में बनी यह दुनिया की सबसे सीधी टनल है। जहां एक और इस टनल को पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है, तो वहीं इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल भड़ोंग को सौंपी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। काम तेजी से शुरू हुआ और अंग्रेजी सरकार ने पूरी मशीनरी इस रेल रूट को बनाने में लगा दी। कालका से शुरू हुआ काम तेजी से शिमला की ओर बढ़ने लगा था। कहीं पुल तो कहीं छोटी सुरंगें बनाकर अंग्रेज इंजीनियर और कामगार आगे बढ़ रहे थे। तभी बड़ों के पास ऐसे पहाड़ सामने आए कि बिना टनल बनाए यहाँ आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए पहाड़ को काटते हुए लंबी टनल बनाने का फैसला लिया गया। कर्नल भड़ोंग इस टीम की अगुवाई करने लगे। दोनों ओर से पहाड़ को काटना शुरू किया गया, मगर 1 किलोमीटर से भी लंबे इस टनल का काम बेहद मुश्किल था। टनल दोनों तरफ से आपस में नहीं मिल पा रही थी। कई बार खुदाई की गई, इस पर खर्चा करीब 10 गुना तक बढ़ गया। आखिरकार अंग्रेजी सरकार ने कर्नल भड़ोंग को काम से रोक दिया। कहते हैं कि सरकार ने उस पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। ये जुर्माना देना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन बात सम्मान की थी। मजदूरों ने भी उसे बहुत सारी खरी खोटी सुनाई थी, क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका था। आखिरकार एक भारतीय बाबा जिन्हें बाबा भलुक के कहते थे, उन्होंने इस काम को पूरा करवाया। मगर इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों ने इंजीनियर की आत्मा देखने का भी दावा किया। रात को कुछ लोग जब यहाँ से गुजरते थे तो उन्हें इंजीनियर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। सुनिश्चित रूप से यह देखा गया कि इंजीनियर आज भी यहाँ दिखाई देता है। ये बात कई लोगों ने हमें बताई। रात के समय यहाँ लोगों ने आना ही बंद कर दिया। ये बंद पड़ी टनल वही है जिसे मरने से पहले इंजीनियर ने बनाया था, इसे बंद कर दिया गया है। हालांकि वास्तव में यह टनल बेहद ही खौफनाक है। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइटों को बंद कर दिया जाए तो यहाँ डरावना सा मंजर हो जाता है। अंदर टनल के पानी रिसता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर एक सुरंग मिलती है जहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे के दरवाजे भी लगवा दिए थे, लेकिन एक दिन लोहे के दरवाजों का ताला टूटा मिला। जब से लेकर आज तक उस टनल के दरवाजों पर कभी भी कोई ताला टिक नहीं पाया है। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाजें सुन भी सकता है, यहां तक कि आप भी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय और रोचक कहानियां लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।